गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ना कि नॉकआउट टूर्नामेंट के जो फीचर्स हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि कैसे हम जो है टोटल नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ बाइस, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ राउंड्स डिसाइड करेंगे। तो उसमें से एक कंफ्यूजन आपके मन में भेजा गया होगा कि सीडिंग और बाइस में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सीडिंग एंड बाइस, है ना। तो सीडिंग को हम सिंपल लैंग्वेज में हम रैंकिंग भी कह सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी गेम्स होते हैं ना, उनकी एक गवर्निंग वर्ल्ड लेवल पे गवर्निंग बॉडी है। जैसे कि इंडिया में अगर देखें क्रिकेट का तो बीसीसीआई है ना, वर्ल्ड लेवल पे आईसीसी है ना। उसी तरह से अगर हम देखें फुटबॉल का जो है, उस तरह से वर्ल्ड लेवल फीफा जो है उसको कंट्रोल करती है। तो जितने भी आपके गेम्स होते, चाहे टेनिस हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, बॉक्सिंग हो, आर्चरी हो, शूटिंग हो, इसमें इनकी गवर्निंग बॉडी होती है। और ये क्या करती है, जो भी खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस कर रहे थे उन परफॉर्मेंस पे निगाह रखती है और उनकी विन और लॉस के अकॉर्डिंग उनको नंबर प्रोवाइड करती है, पॉइंट्स, है ना। और उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उनकी पोजिशन तय होती है, ठीक है। तो उस पोजिशन को ही हम सीडिंग कहते हैं। जैसे कहेंगे नंबर वन टीम कौन सी, अभी हम बात करेंगे नंबर वन टीम कौन सी है टेस्ट में, वनडे में, या नंबर वन जो है टेनिस का प्लेयर अभी कौन है, तो कहते हैं नंबर वन रॉजर फेडरर है या नोकोविच है। तो हम कैसे कहते हैं, क्योंकि उसको वर्ल्ड जो बॉडी है उनको नंबर पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी रैंकिंग डिसाइड करती है, ठीक है। तो उसको सीडिंग को हम रैंकिंग कहते हैं। अब रैंकिंग का बाय से क्या रिलेशन है, तो मैंने कहा था कि बाय प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं कि जो अच्छी टीम होती है वो अगले राउंड तक पहुंच सके। तो किस तरह से जो चीजें जब ड्रॉ बनाया जाता है, जब फ्यूचर बनाया जाता है, तीन बातों का ध्यान रखा जाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं क्रिकेट का, हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अभी हम 2020 का हमें टूर्नामेंट कराना है, कोई वर्ल्ड जिसमें सालों की वजह वर्ल्ड कप कराना है, 2020 का वर्ल्ड कप कराना है, और हमारे पास जो 8 टीमें हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 टीम्स जो है, जिसमें मान लीजिए कि नंबर वन पर मान लीजिए कि आपका ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया है, सेकेंड में मान लीजिए इंडिया, थर्ड पे मान लीजिए साउथ अफ्रीका, फोर्थ पे मान लीजिए पाकिस्तान, फिफ्थ पे मान लीजिए वेस्ट इंडीज, है ना, सिक्स पे मान लीजिए न्यूजीलैंड, सेवेंथ पे मान लीजिए आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, आपका मान लीजिए आपका श्रीलंका, और एट पे मान लीजिए आपका बांग्लादेश, ठीक है। ये पोजीशन है जो जो टीमों की वर्ल्ड एजेंसी आईसीसीआई ने इसको बना रखा है। अब जब हम टूर्नामेंट कराएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हम जब टूर्नामेंट कराएंगे तो कोशिश यह करेंगे कि जो अच्छी टीमें हो वो एक साथ, मान लीजिए हमने इन चारों टीमों को एक ग्रुप में कर दिया, तो होगा क्या कि दो टीमें आपस में मैच खेलेंगी और लास्ट में आपका एक टीम कोई ऑस्ट्रेलिया वाली निकल जाए, और यहाँ से दो टीमें आपस में खेल रही है, पता चला कि यहाँ से जो है बांग्लादेश पहुंच जाए, तो ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का फाइनल हो जाए, तो या फिर बांग्लादेश श्रीलंका का मैच हो रहा है, ठीक है। तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता, इंटरेस्टिंग ग्रुप को भी हमें इंटरेस्टिंग बनाना है ना, कि ग्रुप भी जो है वो भी इंटरेस्टिंग है, उसमें मैच भी अच्छे और अच्छी टीमें, जब मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, सारों जो अच्छी टीमें पहले ही श्योर है नॉकआउट है, तो एक टीम तो बाहर होनी ही होनी, पहले राउंड से कोई बाहर हो जाएगा, दो टीमें अच्छी हो जाएंगी, दूसरे राउंड में दोनों और टीमें बाहर हो जाएंगी, तो एक रह जाएंगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, सीडिंग का सहारा लेते हैं। और जो बाय का मेथड आपको बताया था मैंने कि बाय किसको देते हैं, पहले जो बाय देते हैं पहला लोअर इसको बाय देंगे, सेकंड इसको बाय देंगे, थर्ड हाफ से डिवाइड करेंगे, तो थर्ड इसको, फोर्थ इसको, बाय हम प्रोवाइड करेंगे, फिफ्थ इसको करेंगे, फिफ्थ इसको, सिक्स इसको, सेवेंथ इसको, और एट इसको, सॉरी सेवेंथ इसको और एट इसको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम इसको जब हम ग्रुप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि पहला बाय हम किसको देते हैं, पहला बाय हम किसको देते हैं, पहला बाय हम इस टीम को देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नंबर वन टीम की नाम है ऑस्ट्रेलिया, तो हम चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को जो है सबसे ज्यादा फायदा मिले और सेकेंड राउंड में किसी तरह जाए, अगर एक बाय भी मिलना हो तो ऑस्ट्रेलिया को मिले क्योंकि नंबर वन टीम है, वो अगले राउंड तक जाए, तो ऑस्ट्रेलिया को हम यहाँ पुटअप करेंगे। सेकेंड बाय किसको देते हैं, यहाँ देते हो, सेकेंड टीम कौन सी है, इंडिया, इंडिया को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। थर्ड बाय किसको देते हैं, हम थर्ड बाय देते हैं यहाँ पे, ठीक ना, फर्स्ट टीम होता है लोअर हाफ, तो थर्ड पे कौन है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। फोर्थ पाकिस्तान, यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया।
फिर वेस्ट इंडीज, फिर वेस्ट इंडीज, फिर कहां पे आए, फिर बाइक किसको देंगे, यहां पे देंगे। सिक्स किसको देंगे हम, सिक्स सिक्स इसको देंगे। सेवन बाइक किसको देंगे, सेवन बाइक यहां पे देंगे हम, है ना, सेवन बाइक इस पे देंगे, और एट बाई बांग्लादेश को। अब आप यहां पे देखोगे कि लगभग लगभग जो है जो रैंकिंग हिसाब से आप यहां पे देखिए वेस्ट इंडीज की टीम से रैंकिंग में क्या है, रैंकिंग में जो टीमें हैं नंबर वन टीम, नंबर टू टीम अलग अलग राउंड लेते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि अच्छी टीमों के अगले राउंड में पहुंचेंगे। अगर बाई मिलेंगी भी तो पहले ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा, इंडिया को मिलेगा, साउथ अफ्रीका को मिलेगा, पाकिस्तान को मिलेगा, तो अच्छी टीमें आगे जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है ना। तो ये रिलेशन होता है किसमें, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द सीडिंग एंड बाई। इसलिए सीडिंग पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है वर्ल्ड एजेंसी द्वारा, और उसी के अकॉर्डिंग कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे वर्ल्ड कप फुटबॉल का हो, हॉकी का हो, इसी के हिसाब से आपके जो है ग्रुप्स डिसाइड किए जाते हैं, और इसी तरह से उनको प्लेस किया जाता है कि किस ग्रुप में किन टीमों को रखना, ये डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द इसके अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स सीडिंग या रैंकिंग के हिसाब से। क्लियर, आगे हम डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि नॉकआउट टूर्नामेंट के कुछ टीमों के एग्जाम्पल लेके देखेंगे, और उसके हम जो है फीचर्स ड्रॉ करेंगे। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।